हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मेरा नाम भरत और आज वीडियो के अंदर हम जो है करने वाले हैं Q&A। तो जो भी क्वेश्चंस आप लोगों ने मुझसे पूछे हैं उनके जवाब मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो ज़्यादातर जो क्वेश्चंस हैं वो आईफोन से रिलेटेड और कंप्यूटर रिलेटेड होने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा है वीडियो जर्नी ने, उन्होंने पूछा है आईफोन 6s 32 GB में लेना चाहिए या फिर नहीं। तो बिल्कुल, अगर मैं बात करूं 2022 की तो आप डेफिनेटली जो है आईफोन 6s ले सकते हो, 32 GB वाला वेरियंट। 32 GB आज के टाइम के हिसाब से थोड़ा सा कम ज़रूर है, लेकिन अगर आपका यूसेज बहुत ही कम है, अगर आप एक स्टूडेंट हो या फिर आपका जो वर्क है वो काफ़ी कम है, बहुत ज़्यादा डाउनलोडिंग आप नहीं करते हो, तो मुझे लगता है 32 GB में आपका काम आराम से हो जाएगा। बाकी फ्यूचर प्रूफ रहना चाहते हो तो 64 GB वाला वेरियंट जो है ज़्यादा बेटर रहेगा। अगला कॉमेंट है नयन गेमिंग का, ये पूछ रहे हैं कि आपने ये जो फ़ोन है ये लाइक न्यू कंडीशन में ख़रीदा था या फिर पुराना। तो मैं बता देता हूँ कि आईफोन 6s प्लस मैंने परचेज़ किया है लाइक न्यू कंडीशन में TooGood.com से, तो वहाँ से जो है मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी बढ़िया रहा है। बाकी बहुत सारे वीडियोस मैंने ऑलरेडी डाल दिए हैं इस फ़ोन से रिलेटेड, तो आप जा करके चेकआउट कर सकते हो। AB स्टेटस सिटी ने पूछा है कि आईफोन 6s प्लस में BGMI स्मूथ प्लस एक्सट्रीम पर चलेगा या फिर नहीं। तो स्मूथ प्लस एक्सट्रीम जो है सपोर्ट नहीं करता है इसमें, इतने ग्राफिक्स नहीं है, लेकिन नॉर्मल गेमिंग आप कर सकते हो मीडियम ग्राफिक्स पे, तो वो आप जो है कर पाओगे। अगला कमेंट है गोपाल मंडल का, वो पूछ रहे हैं कि 64 GB वाला वेरिएंट लाइक न्यू कंडीशन में कहाँ से मिलेगा। तो TooGood.com पे अवेलेबल है आईफोन 6s 64 GB वाला वेरिएंट इस टाइम पे, तो आप वहाँ से आकर के परचेज़ कर सकते हो। बाकी कैशिफाई पे भी जो है काफ़ी सारे फ़ोन्स पे डील्स आती है, वहाँ से भी आप चेकआउट कर सकते हो। टेक अंश पूछ रहे हैं कि इस फ़ोन को लेना चाहिए या फिर नहीं। तो मुझे लगता है कि आईफोन 6s और 6s प्लस 2022 के अंदर भी आप ले सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। बट अगर आप 2023 की बात करो तो मुझे लगता है कि आईफोन 7 जो है ज़्यादा बेटर चॉइस रहेगी, और लॉन्ग टर्म पर्पज़ से भी जो आईफोन 7 और 7 प्लस ज़्यादा बेटर चॉइस रहेगी, क्योंकि उस फ़ोन में जो है अपडेट्स भी आएंगे। और आईफोन 6s और 6s प्लस में हो सकता है इस बार iOS 16 का अपडेट ना आए, क्योंकि इस लगभग 7 साल हो चुके हैं इस फ़ोन को लॉन्च हुए, तो कंपनी जो है शायद इस बार अपडेट ना दे। अगला कमेंट है उज्जवल कुमार का, वो कह रहे हैं कि ब्रो आईफोन SE 2020 लेने वाला हूं, बट मैंने एक वीडियो देखा उसमें कह रहे हैं कि रिफर्बिश्ड ओरिजिनल डिस्प्ले नहीं होती है, बिकॉज इतने पैसों में जो है ओरिजिनल डिस्प्ले या बैटरी नहीं होती है। तो ये सब बातें जो है कुछ हद तक सही है, हर फ़ोन में कंपनी जो है ऐसा नहीं करती है। जिन फ़ोन्स में जो है बहुत ही ज़्यादा पुराने मॉडल्स होते हैं उनमें जो है कंपनी डिस्प्ले चेंज करती है, जैसे कि आपने अगर गुड कंडीशन वाले फ़ोन देखे होंगे तो उनमें ज़्यादातर जो है आपको डिस्प्ले या तो क्रैक्ड मिलती है या डैमेज्ड मिलती है, तो वहाँ पर कंपनी जो है थोड़ा सा चेंज कर देती है डिस्प्ले को, किसी और फ़ोन के डिस्प्ले को वहाँ पर चिपका देती है। बट जो लाइक न्यू कंडीशन होती है ज़्यादातर उनमें जो है ओरिजिनल ही डिस्प्ले आपको जो है देखने को मिलती है, क्योंकि डिफरेंस जो है पता चल जाता है, इतना जो है फील नहीं होता है, क्योंकि आपको 6s और 6s प्लस में 3D टच मिलता है, तो इतने अच्छे से जो है वो वर्क नहीं कर पाता है अगर आपने लोकल डिस्प्ले वहाँ पर लगा रखी है तो। बाकी बैटरी जो है आईफोन 6s और 6s प्लस की मार्केट में बहुत ज़्यादा अवेलेबल है इजीली, इसलिए बैटरी जो है चेंज करी जा सकती है, तो उसमें कोई क्वेश्चन नहीं है। तो अगर आपको 100% बैटरी हेल्थ मिल रही है किसी भी आईफोन 6s या 6s प्लस में, तो वो समझ जाइए कि वहाँ पर जो बैटरी रिप्लेस की हुई है और वो ओरिजिनल बैटरी की कॉपी वहाँ पर लगाई हुई है। लेकिन क्योंकि अच्छे से सपोर्ट कर रही है तो अब मुझे नहीं लगता है कि कोई भी उसमें दिक्कत होनी चाहिए, ओरिजिनल से बहुत ज़्यादा डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलता है। अगला कमेंट है अमित सिंह का, उन्होंने कहा है कि फ़्लिपकार्ट से जो है सुपर कंडीशन में आईफोन 7 ऑर्डर किया था लेकिन उन्हें बैड कंडीशन में डिलीवर हुआ। तो मुझे लगता है कि ऐसी सिचुएशन में आपको जो फ़ोन को रिटर्न कर देना चाहिए, अगर ऐसा कोई भी फ़ोन डिलीवर हुआ है आपको तो उसका जो है वीडियो बना के आप जो है रिटर्न कर सकते हो, इससे जो आपको फ्यूचर में दिक्कत भी नहीं होगी। ऐसा कंपनीज करती हैं, कई बार हो सकता है मिस्टेक हुई हो, लेकिन अगर जानबूझ के किया है तो ये गलत किया है। अगला कमेंट है एम राज का, वो पूछ रहे हैं कि आईफोन 6s में गूगल पे जो है काम करता है या फिर नहीं। तो बिल्कुल डेफिनेटली गूगल पे, फ़ोन पे, यहाँ पर सारे ही जो UPI के जो एप्लीकेशन है वो सभी यहाँ पर काम करते हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको जो है ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई भी आपका क्वेश्चन या कमेंट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हो। इस वीडियो में इतना ही था फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।